प्रॉब्लम। फहद साहब, ये मुझे बताइए कि इमरान खान की सूरत में तलवार कितनी देर लटकती रहेगी मियां साहब के सर पे या पीपल्स पार्टी के सर पे? आई मीन, इज दैट थ्रेट रियल और दैट्स अ डन एंड डस्टेड? 14 दिन का टाइमलाइन भी दे दिया अदालत ने केस रैपर को साइफर के हवाले से, ये लटकती तलवार है? उनकी ऑर्गेनिक एक सपोर्ट बेस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, क्या उसमें इतना दमखम होगा कि वो इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस करे कि ऑर्गेनिक सपोर्ट जो खान साहब की वो कम हो जाए? देखिए, आज मियां साहब ने इतराफ किया है कि हमने फिर 16 मार रुक के पांव पे कुल्हाड़ा मारा आपने, मगर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। तो आ रहे ना, वो बैक रुक आ रहे। देखिए, वो इमरान खान साहब को मौका मिले वो भी ऐसे आएंगे, अब वो यही कह रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिले वो भी ऐसे आएंगे, वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इन्होंने कर वो खुद कह रहे हैं पांव पे कुल्हाड़ा मारा, तो ये पांव पे कुल्हाड़ा बच सकता था कि आज ये नौबत ना आती। अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर करते हुए रऊफ साहब वो ये भी कह रहे हैं कि नौजवान को मौका दो, चौथी बार फिर ओल्ड गार्ड्स को दोगे, ओल्ड गार्ड्स को रद्द करो, मुझे मौका देके देखो। कह देना ना कि आप मतलब 16 महीने मजे भी ले रहे हैं, 16 महीने बाद कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, ना देते आप तो 40-40 साल से बैठ फंसने देते उनको। आप कह रहे हैं कि जो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया, खान साहब को अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने देते यहाँ से, ये ना हो कि हम वहाँ पे उसकी सेंटर के लेते लेते हम यहाँ से सिंध ही ना निकल जाए, वो सिंध को सिक्योर करना चाह रहे हैं। अगर बाप पार्टी के सारे जो सरकार रहनुमाएं वो आगे लाइन लगा के मियां साहब से मिल गए तो मैसेज तो चला गया उसको जरदारी साहब को, भाई साहब आप उसके सिंध की बात करें या कल को 8-10 सीटें आपको आके हमने देनी, एक चीज। और दूसरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान बज़ाहिर तो जेल में है मगर नून लीग के लिए लटकती हुई तलवार साबित हो रहे हैं, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले रिहा होकर आ जाएंगे, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी जा रही। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही रोना रो रही है, क्योंकि अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर रऊफ कलासरा और सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जब आप देखें बादी नजर में रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर तब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती, जो मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है उन 16 माह में, वो ना लूज होता है। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है, उस टाइम तो ये सब कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उस टाइम जो खान साहब ने जो गलती की ना, और बाद में हमने वो ट्रेंड देखा, हर थोड़े दिन बाद वो एक पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन करते गए। यहां पे उनके लिए कॉस्ट कुछ नहीं थी, कॉस्ट क्या थी, उन्होंने सिर्फ लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे थे उससे रुकना था, भाई इतना करना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त उन्हें ये शायद अंदाजा हो रहा था, ये रऊफ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जी मेरा मोमेंटम बन रहा है और मेरा जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है मेरे सामने कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए गवर्नमेंट तो गिरनी है, क्रेडिट मैं लूं कि मैंने गिरवाई है और मैंने इनको जो है वो लिटरली गिरा कर और इनको बेइज्जत करके निकाला है। नहीं, वैसे वायर भी अस्यूमिंग कि गिरनी है, गवर्नमेंट गिरनी नहीं थी और वो चल के दिखाया, उसने 16 माह खत्म की टर्म पूरी की है, यही तो गिरनी तो गिरनी नहीं थी ना, यही तो मिसकैलकुलेशन थी। उनका ये ख्याल था खान साहब का कि जिस तरह मेरा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और दूसरा कुछ लोग दोनों तरफ बातें कर रहे थे, उनका ये ख्याल था कि अब तो ये नहीं, मगर आज आप कह रहे हैं कि वो तो बात की बात है, मगर देखें आज मियां साहब ने एतराफ किया है कि हमने फिर 16 माह रुक के पांव पे कुल्हाड़ा मारा आपने, मगर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। वो खुद कह रहे हैं पांव पे कुल्हाड़ा मारा, तो ये पांव पे कुल्हाड़ा बच सकता था कि आज ये नौबत ना आती कि आज पीपल्स पार्टी जो उस इतिहाद का हिस्सा थी बिल्कुल बाल की तरह पूरे सिचुएशन से निकल गई है। अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर करते हुए रऊफ साहब वो ये भी कह रहे हैं कि नौजवान को मौका दो, चौथी बार फिर ओल्ड गार्ड्स को दोगे, ओल्ड गार्ड्स को रद्द करो, मुझे मौका देके देखो, एक दफा नई नस्ल नया खून आने दो, और सबसे बड़ी बात वोट को इज्जत दो का बयान आज बिलावल ने अपना लिया। ये अब इसमें पहले मियां साहब की बात से शुरू करते हैं कि हम None of this would have happened. मतलब है कि हम ना कास्ट देते, ये अगर ना देते तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होने वाले, सजा होने वाली थी, एफआईआर का केस उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, हमजा साहब पे हो चुकी थी, डार साहब वापस नहीं आ सकते थे, फिर उसके बाद ये सलमान शहबाज वापस नहीं आ सकते थे, केसेस आप खत्म। इवन जरदारी साहब पे आपको याद होगा वो फलूदे वाला, तो रक्षे वाला, तो टांगे वाला जो केसेस बने हुए थे, इनके अकाउंट में कोई आए थे 40 बिलियन के करीब जो पैसा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की थी बशीर मेमन साहब ने की थी और गिरफ्तार भी हुए थे। फिर ओवरसीज आप पे वोट बैंक, ये वोट जो था वो आपके पास उसी पर वो नहीं होना था, वो नहीं होना था, फिर मशीनों के जरिए जो इलेक्शन होने थे वो नहीं होने थे, नैब की पावर क्लिप नहीं होनी थी, आप सबने वापस नहीं आना था, और फिर आपको वजारत So, ये कह देना ना कि आप मतलब 16 महीने मजे भी ले रहे हैं और 16 महीने बाद कह रहे हैं जो हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, ना देते आप तो 40-40 साल से बैठ फंसने देते उनको, खान साहब को 2 महीने जाने देते, उसके बाद तो आगे खान साहब कहते कि सबसे बड़ा कुल्हाड़ा मैंने मारा था, वो क्यों? खान साहब तो IMF की डील खराब कर चुके थे फरवरी 2022 में, जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी मेरा इस मुल्क को, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, रुपीज हमारे जो हम 350-300 रुपए तक किया, वो IMF डील का बड़ा गहरा तल्लुक था जो खान साहब ने 2022 जनवरी फरवरी में तोड़ी थी। आप फिर खान साहब की पूरी इलिमिनेशन होने देते ना थोड़ी सी, उस वक्त कहते हैं हम इनको सेव कर रहे, अच्छा सेव कर रहे थे, बकौल आपका जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया, खान साहब को अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने देते एक दफा इस पूरी कौम को ना खान साहब का पूरा मजा लेने दे, पूरा चस्का, पूरा उनका स्टाइल, ये 5 साल पूरे करने देते ना,
मेरा यह ख्याल है पॉलिटिकली तौर पर खान साहब गए थे, वो जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह की चीजें हो रही थी, अभी भी मैं कहता हूं इस हक में खान साहब को 5 साल दे दें, मुल्क की जो है ना वो समझते हैं कि बहुत बड़ी हमारी जो कमी रह गई है ना, और ये मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। 9 मई के बाद तो इस पसोना नॉन ब्राट आई मीन दैट्स अ नॉन स्टार्टर राइट नाउ। सो ये जो इन्होंने उनको बल्कि ब्रीदिंग स्पेस दी, इन्होंने ब्रीदिंग स्पेस दी, खान साहब को रिवाइव किया, अदरवाइज खान साहब की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। मदरत के साथ उनके फैन क्लब के साथ हम तो बड़ा करीब से देख रहे थे, जो बंदा फरवरी में अपनी IMF की डील खराब कर रहा है खुद, उसके पास क्या प्लान था, क्या उसने इकॉनमी को लेकर चला? ये बता दीजिए कि ये क्या गीदर सिंगी है, या इज दिस जस्ट ब्यूटीफुल पॉलिटिक्स एट प्ले कि पीपल्स पार्टी आज PDM की हुकूमत 16 माह का कोई फ्लैग उसके ऊपर नहीं है। ब्यूटिफुली उन्होंने ओनरशिप भी ले ली है, वोट को इज्जत दो के बयानिए की ब्यूटिफुली सिलेक्टेड और फेवरेट और लाडला का ताना और ये लकब जो है नवाज शरीफ साहब को लगा दिया, छाप दिया उनके ऊपर। हाउ? मेरे ख्याल में देखें, अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स का क्या है कि आपने पावर में आना है, अगर वो डेफिनेशन है गुड पॉलिटिक्स की, तो पीपल्स पार्टी जो तो उससे दूर हो गई है इस वक्त, वो वाली पॉलिटिक्स ठीक है, सारी महंगाई यू सेइंग इट्स ओके जो नून लीग कर रही है, जिस तरह आ रही है, जो देखिए नहीं ओके की बात नहीं कर रहा, बाय हुक और बाय क्रूक तो इख्तदार में नहीं आ रहे, इख्तदार में आ रहे ना, वो आ रहे बाय हुक और बाय क्रूक आ रहे। देखिए वो इमरान खान साहब को मौका मिले वो भी ऐसे आएंगे, अब वो यही कह रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिले वो भी ऐसे आएंगे, वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, इन्होंने कर लिया। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला नहीं और नून लीग को मिल गया। पीपल्स पार्टी देखिए, अगर पीपल्स पार्टी की स्मार्ट पॉलिटिक्स ये होती कि वो अपने आप को डिस्टेंस करके नेगेटिव जो लोगों का सेंटिमेंट्स है उससे बच के लोगों का वोट लेकर और वो गवर्नमेंट में आ जाती, आ भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन वो नहीं है, वो इक्तदार से बहुत दूर जा चुके हैं। और दूसरी जमात जिसको क्योंकि वो बकौल उनके वो कहते हैं हमें कबूलियत का शर्फ नहीं हासिल और कबूलियत कहीं और है, तो फिर मकबूलियत जिधर है उस पर तो डिस्कशन ही नहीं है ना। स्मार्ट पॉलिटिक्स ना, सो इज इट स्मार्ट पॉलिटिक्स नेसेसरली लेजिटिमेट पॉलिटिक्स, दैट्स डिफरेंट। स्मार्ट पॉलिटिक्स इज के हु विंस, सो नवाज इज डूइंग स्मार्ट पॉलिटिक्स, देखिए नून इज डूइंग स्मार्ट पॉलिटिक्स। अभी इलेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्शन में जो जीत गया जिसने गवर्नमेंट बना ली वो उस टाइम का ही इज द विनर। अब वो कैसे बनाई, देखिए ना 2018 में जिस तरह इमरान खान साहब पावर में आए थे यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो एक तरह का किसी ने ये नहीं कहा था कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर, आज तक लोग नहीं कहते, लेकिन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये भी एन मुमकिन है वैसे ही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप अगर आप उस तरह की सियासत कर रहे हैं कि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप मारे जाएंगे, लेकिन इलेक्शन लॉन्ग टर्म में नहीं है, इलेक्शन 3 महीने में। इस वक्त सक्सेसफुल पॉलिटिक्स का जो बैरोमीटर है वो ये कि अगर इलेक्शन कौन जीतता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं फाज साहब कि अगर इस वक्त मतलब जरदारी साहब जो है मेरी अपनी राय में वो वजीर आजम बनने की रेस में बिलावल को पूरा पता है कि पंजाब में हमारा वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो वहाँ वजीर आजम नहीं बन सकते। वो आपने दो चीज़ें सिक्योर करने की कोशिश करें, एक सिंध को सिक्योर करने की कोशिश करें कि ये हमें फ्यूचर में हमें मिले, क्योंकि वहाँ पे GD और दीगर पार्टी ने रोला डाला हुआ कि आपने 15 साल से पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है सिंध, इन्होंने वहाँ सिंध में क्या किया है, सोन को खतरा पड़ गया था कि आपके यहाँ से ये ना हो कि हम वहाँ पे उसकी सेंटर के लेते लेते हम यहाँ से सिंध ही ना निकल जाए। सो वो सिंध को सिक्योर करना चाह रहे हैं। उनको पता है बिलावल जो है वो नहीं इस वक्त में वजीर आजम की उसमें दौड़ में शामिल नहीं है, नहीं है। लेकिन साहब बाप पार्टी किसने बनवाई थी, ये जरदारी साहब का प्रोजेक्ट है, सबलेट किया गया था फिर ना, और इन्होंने यहाँ पे आके उसमें ये जो सादिक संजानी साहब जो बने थे तो जरदारी साहब के सपोर्ट से बने थे। और इस वक्त इमरान खान साहब के सेनेटर जो हैं, ये बहुत कम लोगों को याद रहेगी होगा, उस वक्त जरदारी साहब और इमरान खान साहब जो हैं एक ही उसमें खड़े थे, तो इकट्ठे थे नवाज शरीफ साहब को हराने के लिए, देवर टुगेदर। आज अगर बाप पार्टी के सारे जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो आकर लाइन लगा के मियां साहब से मिल गए तो मैसेज तो चला गया उसको जरदारी साहब को, भाई साहब आप उसके सिंध की बात करें या कल को 8-10 सीटें आपको आके हमने देनी, एक चीज। और दूसरी जो इस वक्त जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम था, इन्होंने अगर यहाँ पे लाहौर में देरे लगे तो उन्होंने बशीर मेमन साहब को लॉन्च किया वहां पे सिंध में, और बशीर मेमन साहब FIA के अंदर सारे इनके केसेस खोल के बैठे, मतलब सारे जरदारी साहब उस केस में गिरफ्तार हुए, ये फाइट जो है उन्होंने मैसेज इनको भी भेजा कि भाई साहब अगर आप पंजाब में आएंगे ये हमारी डोमेन है। हालांकि माजी में ये हुआ था, दोनों ने इन्होंने आके बांटी हुई थी अपनी डोमेन्स कि आप सिंध में रहें हम यहां पे रहेंगे, इसमें इस पंजाब में आपने इधर नहीं आना हमने वहां पे नहीं आना, और कल को पावर में आके शेयरिंग कर लें। आपकी दफा में लगे जरदारी साहब को, उनको फील होता है मेरा आखिरी चांस है, जब तक मैं हूं अल्लाह उनको आजादी दे तो मैं जिंदा हूं तो मैं शायद बिलावल को वजीर आजम बनवा सका तो बनवा सकता हूं, कल को मुश्किल हो जाएगा। ये गोल तो शायद दोनों बड़ों के लिए नहीं है, मियां साहब भी मरियम साहिबा को लॉन्च करना चाह रहे हैं, आई बिलीव इसलिए इतनी डील मारी उन्होंने। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने के लिए ये कोशिश हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। या नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी साहब हो, वो ये उनका एक तरीके से आखिरी वो है कि वो इलेक्शन के जरिए कोई अपना एक मेजर रोल प्ले करें। सवाल ये देखें, मैं आपसे जो पहले बात करता हूं, शॉर्ट टर्म में तो सक्सेस यही है कि आप इलेक्शन जीत के पावर में आ जाएं, लेकिन उससे अगर आप जाते हैं मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो वो बात जो आप कर रही है वो एक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहना बिलावल साहब का कि जी मैं यूथ का वोट लूंगा और बाबों का टाइम खत्म हो गया है, ये कहने को तो अच्छा लगता है, लेकिन यूथ का वोट आपको ऐसे तो नहीं मिल जाता कहने से, उसके लिए आपको एक सर्टन कनेक्ट करना है उन लोगों से। क्या ये जमातें वो कनेक्ट कर पा रही हैं? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या परसेप्शन है? अगर उसका परसेप्शन ठीक नहीं है तो वो सिर्फ बिलावल की वजह से नहीं है, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, उसके पीछे उसकी गवर्नेंस की कहानी है, उसके पीछे उसकी एक मौरूसियत की कहानी है। बिलावल साहब इवन दो ही स्पीकिंग द राइट वर्ड्स,
लेकिन वो उनकी जमात का जो वजन है वो उस जमात को एक और तरफ लेके जा रहा है, और वो इतने शॉर्ट टर्म में ये नहीं हो सकता कि अगर बिलावल साहब कहें कि जी मैं फेस ऑफ द यूथ हूं तो सारी जमात का परसेप्शन चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पुरानी जो जमातें हैं, चाहे वो पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, इनका प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इस इलेक्शन में ये जीत जाए, हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उनका डिस्कनेक्ट विद द वोटर बढ़ रहा है। और अभी भी आपको पीडीएम तर्ज का ही फॉर्मूला हुकूमत पीडीएम प्लस होगा, जो लोग पीडीएम में नहीं भी थे, आईपीपी जैसे लोग, वो आईपीपी जैसे लोग और हो सकता है कुछ लोग, तो ये पीडीएम से बड़ी बड़ी कोलिशन जो है बनने जा। ऑपोजिशन में कौन बैठेगा फिर? पहली मुझे लगता है नवाज़ नसरुल्लाह खान अल्लाह जन्नत से फाइनली इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, बन जाती होती है। ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? अगर आपको याद है 1985 के इलेक्शन में जब जनरल ज़िया बैठे थे, उस वक्त एक अपोजिशन एक बन गई थी और उन्होंने उनका उम्मीदवार जो ख्वाजा सफदर को हरा दिया था और फखर इमाम साहब स्पीकर बन गए थे। सो एक अपोजिशन नेचुरल होते, कहीं पर नहीं होगी बन जाएगी, लेकिन हमें डाल दी। अब सवाल यह है कि अगर ये यहाँ पे आप पीडीएम प्लस आ रहे तो नवाज शरीफ साहब जो है पीडीएम प्लस के साथ चल सकते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस है तजर्बा इस तरह का? ये शबाज शरीफ साहब में क्वालिटी थी, मतलब मियां साहब अगर आ गए तो, अगर ये पीडीएम प्लस है तो मियां साहब के लिए इतनी बड़ी कुल दो चार के साथ तो चल लेते, चलो मौलाना साहब हो गए, उसमें एएनपी होती थी, एमकेएम दो चार, मियां साहब 13-14 को चलाने वाला नहीं है, ये तजर्बा शबाज शरीफ साहब के पास है। अब शबाज शरीफ साहब को आने नहीं देना। आप अगर पिछले देखे 16 महीने देखे, मरियम साहिबा को पंजाब देने के लिए एज चीफ मिनिस्टर, मियां साहब ना प्राइम मिनिस्टर बने, शबाज शरीफ को बनने दें टू लीड दिस कोएलिशन, ही कैन बिकम द प्रेसिडेंट और ही कैन सिट इट आउट। देखिए मेरे ख्याल में ये तो स्पेकुलेशन है, मेरे ख्याल में हो भी सकता है, क्योंकि शबाज साहब का जो एक लोगों का एस्टैब्लिशमेंट का कंफर्ट लेवल है उनके साथ वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये हो भी सकता है। मेरे ख्याल में, मेरा पहले तो ख्याल था कि ज्यादा इम्कान इसके ही है। देखिए मेरे ख्याल में ये डिपेंड, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मियां नवाज शरीफ पे। अगर वो ये फैसला करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो बन जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि वो बनने के बाद, ये बात ठीक है, बनने के बाद चला कितनी देर चलाना, देखिए ना दो चीजें, एक तो है गवर्नेंस का चैलेंज कि आप ये पॉलिटिकली आप इस कोलिशन को कैसे चला रहे हैं, दूसरा ये कि जिस तरह की हालात में ये गवर्नमेंट आ रही है क्या वो फैसले कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि एक जो एलिफेंट इन द रूम है वो है मौजूदों की, कोई गया नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इस तरह की पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आपने लोगों से कनेक्ट करना है। टू क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंस को अंडरएस्टिमेट ना करें, नहीं नहीं बहुत बड़ा रोल है, मगर इंडिपेंडेंस को फिर आप ओवर एस्टिमेट भी ना करें ना, इलेक्शन के बाद वो क्या करते हैं वो भी सबको पता है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन लेकिन बार्गेनिंग पोजीशन है, लेकिन लेकिन वो जो इंडिपेंडेंस का जो ग्रुप होगा ना, फिर वो उसकी फैसला साजी जो है वो सिर्फ नून लीग नहीं करेगी ना, ये भी इशू। यस, और फिर ये नौकाल को जैसे सादिक संगरानी साहब जो है, मतलब 8-10 सेनेटर के साथ वो चेयरमैन सेनेट बन गए थे, तो ऐसे ये नौकाल को और वजीर आजम बना बैठा हो यहाँ पे कि भाई साहब ये देखिए, डोंट बिलीव इन मैजिक सर, दैट इज योर प्रॉब्लम। फहद साहब ये मुझे बताइए कि इमरान खान की सूरत में तलवार कितनी देर लटकती रहेगी मियां साहब के सर पे या पीपल्स पार्टी के सर पे? आई मीन इज दैट थ्रेट रियल और दैट्स डन एंड डस्टेड? मेरे ख्याल में देखिए खान साहब अभी तो जेल में है और 2 घंटे की पूछताछ हुई है 190 मिलियन पाउंड के अंदर, 14 दिन का टाइमलाइन भी दे दिया अदालत ने केस रैप अप और साइफर के हवाले से, ये लटकती तलवार है। उनकी ऑर्गेनिक एक सपोर्ट बेस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, क्या उसमें इतना दमखम होगा कि वो इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस करे कि ऑर्गेनिक सपोर्ट जो खान साहब की वो कम हो जाए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन खान साहब के रहते हुए यहाँ पे एज लॉन्ग एज ही इज समबडी हुज अराउंड, तो वो एक आफ्टर ऑल देखे ना नवाज शरीफ साहब के बारे में सोचें, 3 साल पहले वो क्या थे, वो थ्रेट ही थे ना, अब वो थ्रेट एक्चुअलाइज हो गई है, तो इसलिए थ्रेट किसी टाइम भी एक्चुअलाइज हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ भी कल तक मुजरिम थे, फिर अचानक इनके हक में फैसले आना शुरू हुए और इनकी राहें अंबार होती चली गई। इसी तरह इमरान खान के ऊपर जो केस है वो भी किसी वक्त भी खत्म हो सकते हैं और इमरान खान रिहा होकर आ जाएंगे, और अगर नून लीग ने हुकूमत बना भी ली तो वो इमरान खान के सामने नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।